पिताजी और माताजी हर टाइम यहाँ पे रहते हैं। एक्चुअली मैं भी जॉब करता हूँ, मेरा भाई भी जॉब करता है। कुल मिला के 30-32 लाख रुपए टोटल फार्म पर खर्चा आया है। दूसरे साल भी मुझे कम से कम 10-15 लाख तक मुझे प्रॉफिट मिला है। मुर्गी यहाँ पे पाले, उनको मैंने दूसरा कोई खाना नहीं दिया। अच्छा। खाली मैंगनी पे ही चल रहे दोस्तों, नीचे मुर्गे और ऊपर बकरे और प्रॉफिट डबल। आज आपको बड़ा कमाल का फार्म दिखाएंगे। आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ अहमदनगर महाराष्ट्र में। यहाँ पे एक भाई हैं जो पिछले काफ़ी टाइम से बकरी पालन के साथ साथ मुर्गी पालन कर रहे हैं। देर न करके मिलवाएंगे आपको भाई से और पूरा इनका जो मॉडल है उसको एक्सप्लोर करेंगे और आपको ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार सर, मेरा नाम सतीश उत्तम कराले है जी। मैं महाराष्ट्र में से अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और तांबोल गांव में मेरा गांव है जी। मेरे यहाँ पे मेरा बकरी पालन और नीचे मुर्गी पालन, ऐसा दोनों तरीके का बिजनेस यहाँ पे चल रहा है। मैं वही दर्शकों को बता रहा था, बड़ा कमाल का मॉडल आपने बना रखा है भैया। नीचे मुर्गी ऊपर बकरे और कमाई डबल। कमाई डबल, सही सही, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताओ, ये आपने एलिवेटेड बना रखा है शायद, ठीक है जी? हाँ। और मैं देख रहा हूँ काफी अच्छा पैसा यहाँ पे लगा रखा है आपने। जी जी, ठीक है। क्योंकि जी, जो अपना एलिवेटेड शेड होता है हाँ, उसमें नॉर्मल शेड डबल पैसा लगता है। डबल लगता है, ठीक है ना। आपको दोस्तों दिखा दूँ, नीचे देसी मुर्गे हैं, ये प्रॉपर देसी तो नहीं है, ये डबल एफ जी ब्रीड के मुर्गे हैं। इनकी पहचान होती है कि इनके जो पैर होते हैं पीले रंग के होते हैं और जो मिंगनी है वो खा रहे हैं नीचे, बकरी की जो मिंगनी है उसमें से अनाज निकाले खा रहे हैं। अच्छा भैया, कब से कर रहे हो ये? ये तो हमारा सर 2022 से चल रहा है। 2022 से 2021 में हम फार्म बनाए थे हमने हाँ। और 2022 से हमने ऊपर बकरी और नीचे मुर्गी, ऐसा हमारा दोनों तरीके का बिजनेस चालू है सर। अच्छा, क्या मन में विचार आया ये सब करने से पहले, क्या करते थे थोड़ा? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ और मेरा जो बड़ा भाई है वो भी पुणे में जॉब करता है। एक्चुअली हाँ। हमारा क्या है, हमारा जो घर का जो खेती है हाँ। तो हमारा ये सोचना था कि कोई ना कोई बिजनेस शुरू करे जी, जी। क्योंकि जो एग्री से रिलेटेड कोई बिजनेस हो तो उसपे से मुनाफा अच्छा मिल जाता है। क्योंकि मेरा जो गाँव है जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, अकोले तालुका है और तांबोल बोल के मेरा जो गाँव है, यहाँ पे जो लोग स्थानिक लेवल पे जो बकरी पालते हैं, मैं उनको देख रहा था कि वो बकरी पालन से मुनाफा अच्छे तरह से मिल जाता था। आपके गाँव के लिए मैंने महाराष्ट्र में देखा लोग अच्छा अर्न कर रहे हैं बकरी पालन में, यहाँ पे कैपेसिटी है, यहाँ डिमांड है, डिमांड भी बहुत चल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना बकरी पालन का ही बिजनेस शुरू क्यों ना करूँ। तो इसके हिसाब से मैंने प्लानिंग किया कि बकरी पालन का ही बिजनेस शुरू करूँ। मगर उसके साथ तो मैंने जो देखा, जो यहाँ पे जो लोग हमारे यहाँ पे बकरी पाल रहे थे उनका जो तरीका था, तो मुझे मैंने उसका भी थोड़ा सा स्टडी कर लिया। मगर वो स्टडी करते समय मुझे ऐसा लगा कि वो जो बकरी पालते है उसका जो बच्चों का वेट गेन होता है वो एकदम लोकल की तरह होता है। मतलब उसका वेट गेन अच्छा नहीं मिल रहा था। लगभग लोग 5-5, 6-6 महीने जब तक वो बकरी संभालते हैं, वो पिल्ले उसके बच्चे संभालते, उसका वेट खाली आता था आपको 15 किलो 16 किलो बस इसकी तरफ से। मगर अभी जो मैंने जो मेरे फार्म पे जो बकरी रखी है उसका बोर गोट का वो जो नस्ल है उसका वेट गेन बहुत फास्ट है। वो लगभग 3 या 4 महीने में कम से कम 24-25 किलो तक उसके जो ब्रीडर जो मेल रहते हैं उसका वेट जाता है। क्योंकि ये कम समय में हमें ज्यादा वेट गेन देती है। मतलब इसका एफसीआर ज्यादा है, एफसीआर ज्यादा है। एक्चुअली उसका जो जठर रहता है वो जो अपनी लोकल ब्रीड रही, लोकल ब्रीड से दीड़ पट ज्यादा रहता है, दीड़ पट बड़ा रहता है। इसकी वजह से उसका जो खाना है वो जो मीट में कन्वर्ट अच्छी तरह से करती है जी। नहीं, बोर गोट जो है सबसे ज्यादा वेट गेन वाली बकरी है जी, पूरे वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। क्योंकि अफ्रीका के ब्रीड है, अफ्रीका के जीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत है ना। अच्छा दोस्तों, आपको दिखा दूं, यहाँ वाईफाई भी लगवा रखा है इन्होंने, यहाँ पे कैमरा की सुविधा दे रखी है, मतलब घर बैठे बैठे ऑपरेट करते हैं जी जी, है ना। पूरा मतलब मॉडर्न तरीके से लेके चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी को साथ लेके चल रहे हैं जी जी। क्योंकि हमारा जो फार्म का जो नाम है उसका हमने जो लोगो दिया है उसके नीचे हमारा जो टाइटल है कि एडवांस गोट फार्मिंग जी। इसकी वजह से हमने जब सब एडवांस तरीके से किया है जी, जो हमारा शेड बना है, जो सीसीटीवी वगैरह सब एडवांस तरीके से के लिए हमने नाम दिया है कि एडवांस गोट फार्मिंग जी। अच्छा मैं ये देख रहा हूँ प्लास्टिक सेटेड सीट है यहाँ पे जी जी जी, बड़ी कॉस्टली पड़ती है, लार्ज स्केल कॉस्टली पड़ती है, मगर उसके बेनिफिट भी बहुत अच्छे हैं सर मुझे। अच्छा। इसके दो मेजर बेनिफिट आते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहला जो बेनिफिट आता है, जो मेरी बकरी है जो एकदम तंदुरुस्त रहती है जी, उसका कोई भी कोई बीमारी का इतनी आसानी से उसे कोई अटैक नहीं करती जी। क्योंकि हम भी अगर कोई घर में अच्छे घर में रहे तो हमें भी जरा सुकून मिलता है। उसी तो सबको पसंद है, देखो सब साफ सफाई हर एक को पसंद है, और उसके जैसे हमें साफ सफाई पसंद है उसके तरीके से बकरे को भी, उसे भी अपना जो आसपास का एरिया वो अच्छा रहे तो उसका भी मन प्रसन्न रहता है। इसकी वजह से हमने ये एलिवेटेड करने का डिसीजन कर लिया। दोस्तों रैंप था चढ़कर आए हैं ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सुंदर फार्म है जी, और काफी साफ सफाई है यहाँ पे, क्योंकि इस प्लास्टिक सेटेड में ज्यादा मेहनत नहीं है। बिल्कुल नहीं, जो होती नीचे जा रही है, नीचे खा रहे मुर्गे बस, है ना। हाँ जी हाँ,
अच्छा मुझे ये बताओ भैया, अच्छा खासा लोहा लगा रखा है आपने यहाँ पे जी, जी। स्टील की चादर लगा रखी है जी। और लोहे का अच्छा प्रयोग कर रखा है, कंजूसी कहीं दिख ही नहीं रही। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या एरिया है फार्म को और क्या खर्चा आया था इसमें? सर ये जो मेरा है टोटल 3000 स्क्वायर फुट का फार्म है जी, जो खाली वो जो बकरियों के लिए बनाया है जी। जो मैंने जमीन से 6 फुट ऊपर लिया है ताकि मैं 6 फुट ऊपर से मेरी ऊपर बकरी रहे और नीचे मेरा मुर्गी का मेरा बिजनेस चलता रहे। और दूसरा एक मैंने जो एक स्टोर रूम बनाया है उसमें मैंने करीबन 1000 स्क्वायर फुट का रूम बनाया है। उसमें मैंने पूरा कंपाउंड मेरा 10 गुंठे में मेरा पूरा एरिया है उसको मैंने कंपाउंड किया है। वो 100 फीट का मेरा टोटल एरिया का कंपाउंड है जी, जी। लगभग मुझे कुल मिला के 30-32 लाख रुपए टोटल फार्म पर खर्चा आया है। 30-32 लाख की आपके फार्म कंस्ट्रक्शन में खर्चा, कंस्ट्रक्शन में खर्चा किया है। और अगर मैं आपकी जो प्रोजेनी देख रहा हूँ यहाँ पे बोर गोट, प्योर बोर गोट, प्योर ब्लड जो आपके पास फुल है ना जी। तो ये कहाँ से लाए थे आप? एक्चुअली हम ये बहुत अलग अलग ठिकानों से लाए थे, महाराष्ट्र में से ही कुछ लाए थे, कुछ महाराष्ट्र के बाहर से भी लाए थे जी। एक्चुअली जो अच्छी अच्छी वाली जी ब्रीड थी जो हमने सिलेक्ट करके यहाँ पे जो लाए थे। तो कितने लाए थे शुरुआत में? शुरुआत तो हमने 20 से की थी सर। अच्छा। 20 बकरे से शुरू किया था, 2022 में हम बकरे लाए थे और जो प्रेग्नेंट थी तस टाइम, तो पहले साल से ही हमारा जो उसका लैक्टेशन हो वो लगभग 3-4 महीने में स्टार्ट हो गया था जी। जी तो अब कितनी है ये? अभी कुल मिला के टोटल हमारा 75 तक टोटल काउंटिंग है, मल्टीप्लाई हुआ ये? नहीं नहीं एक्चुअली हमारा 2 साल में हमारा मदर स्टॉक 45 हो गया है और अभी किड्स पकड़ के टोटल 75 हुए। अच्छा। हाँ अभी टोटल मदर स्टॉक 45 जी और बाकी का जो है 30 वो मेरा किड्स में है। पर हुआ तो इन्हीं में से ही है ना भैया सारा कुछ, बाहर से तो और नहीं लाया ना? नहीं नहीं बाहर से बिल्कुल नहीं लाया जी, उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई कर ले क्योंकि हम क्या करते हैं हर साल 10 मदर स्टॉक में बढ़ा देते हैं जी जी जी, 10 फीमेल हमारा मदर स्टॉक में बढ़ा देते हैं और बाकी का सेल करते हैं क्योंकि खर्चा जो निकलना है उसके लिए सेल भी करना जरूरी रहता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे इन्होंने नमक लटका रखा है, नमक के गोले हैं वो जी और नमक बहुत शौक से खाते हैं, पाचन बढ़िया रहता है। पत्ते लटका रखे हैं बच्चों के लिए, सब खा खुकर आराम से बैठे हैं, सबके पेट भरे हुए हैं यहाँ पे। बोर गोट मैंने सुना एक्सपेंसिव भी बहुत है, क्या रेट आप देते हो यहाँ से बोर गोट? क्या होता है सर ये जो ब्रीड है उसका जो वेट गेन है वो बहुत फास्ट है, मतलब लगभग 3-4 महीने में 20-25 किलो तक उसका वेट गेन हो। ये बकरी जो भी खाना खाती है उसमें से वो मीट कन्वर्जन बहुत अच्छा करती है जी, जी, जी। इसकी वजह से इसका वेट बढ़ता है, ये एक्सपेंसिव इसीलिए है, इसका वेट जल्दी आपको कम समय में ज्यादा वेट मिल जाता है जी। इसका क्या नाम है आपके? ये हमारा ब्लास्टर है, वो ब्रीडर है हमारा सर। ब्लास्टर है ये। हाँ, दोस्तों हाँ। ब्लास्टर है, काफी तगड़ा है। क्या वेट है भैया इसका? अभी 110 किलो तक है सर। ऑटो 110 किलो। कितने दांत है ये? ये अभी ये 4 दांत कंप्लीट हुए हैं। 4 दांत में तो उसको और वजन होना चाहिए था, होना चाहिए था मगर मेंटेन रखा है। एक्चुअली क्या है ज्यादा वेट आ गया तो ब्रीडिंग में दिक्कत आती है। बिल्कुल दोस्तों ये भी सही कहा भैया ने, हाँ हाँ कि ब्रीडिंग में दिक्कत आती है, ब्रीड में दिक्कत आती है, इसलिए हमने उसका वेट जो मेंटेन रखा हुआ है जी। ये जो है जिनका थोड़ा सा काला हेड है, हाँ हाँ। ये कौन सी गोट? ये भी बोर ही है मगर इसका जो मदर है वो 50% क्रॉस है। अभी ये जो आई है ये 75% में बन के आई है, तो अच्छा। जो अपनी देशी ब्रीड से उसका जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा तरह से है। मतलब आप मीट पर्पस के लिए भी काम कर रहे हो? मीट पर्पस के लिए करते हैं, ब्रीडिंग में भी करते हैं। सही समझ गया मैं आपको। अब आप वेट गेन बच्चे भी ले रहे हो यहाँ पे और कुर्बानी पर्पस के लिए तैयार कर रहे हो? कटिंग मार्केट के लिए। जी जी, कटिंग मार्केट। जी 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 जी। तो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे साफ सफाई तो बहुत अच्छे तरीके से भैया ने मेंटेन कर रखी है जी। और आप दोस्तों ब्रीड देख सकते हो इनकी कितनी बढ़िया है। और मैंने सुना है कि आप अब यहाँ पे बीटल से भी क्रॉस बच्चे ले रहे हो? मैंने पहले बीटल भी रखा था सर, मैं बीटल का भी ट्राई किया हूँ मगर मुझे बीटल का मुझे एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं मिला जितना बोर का मिला है, क्योंकि बीटल जो पंजाब की ब्रीड है जी उसे कंटिन्यूसली हम एक ही जगह पर नहीं रख सकते, मतलब स्टॉल फीडिंग पे नहीं रख सकते, उनको ओपन ग्रेजिंग की ज़रूरत पड़ती है जी। बाकी की जो अपनी देसी बकरी है जो लोकल सोजत शिरोई जो अदर नस्ल की बकरी है उनको ओपन ग्रेजिंग की ज़रूरत पड़ती है, मगर ये बोर जो नस्ल है जी, उनको 100% हम स्टॉल फीडिंग पे रख सकते हैं, मतलब उसे जो बंदिस्त बकरी पालन बोलते हैं जिसको जी, वो बंदिस्त बकरी पालन के लिए 100% जो सक्सेसफुल ब्रीड है वो बोर गोट है। बोर गोट प्रूवन है ये, है ना जी जी। जैसे आप स्टॉल फीड पे कर रहे हो प्रॉपर जी जी जी। तो खाने में क्या देते हो इनको? अभी ऐसा रहता है सर मेरा सवेरे जो 7 बजे उनको जो मेरा खुराक रहता है उसमें आता है मक्के का दाना आता है, उसमें सोयाबीन का दाना आता है जी। ये जो मैं दोनों मिक्स करके मैं हर एक बकरी को कम से कम 225 ग्राम देता हूँ और जो जिसकी डिलीवरी हुए जिनके किड्स अभी अभी आए हुए उनको कम से कम 300-400 ग्राम उसके वेट के हिसाब से देता हूँ जी जी। और दूसरा जो मेरा ब्रीडर है उसको मैं कम से कम 500-400
450-500 ग्राम तक मैं खुराक दे देता हूँ। खुराक देते हो? उसके बाद 9 बजे मैं क्या करता हूँ, मेरा जो सोयाबीन का जो भूसा बोलते हैं हम उसे, जो सोयाबीन रहता है उसका जो भूसा निकलता है, वेस्टेज, सोयाबीन का जो वेस्टेज रहता है उसका जो भूसा निकलता है उसको हम 9 बजे उनको सबको सूखे में देते हैं, मतलब जो पूरा सूखा ही रहता है, तो सूखे में जब वो खाते हैं 9 बजे तो 10-11 बजे तक आराम से पानी पी के बैठ जाते हैं जी। और दूसरा मेरा दो नंबर का जो मेरा फीडिंग का रहता है वो 1:30 बजे रहता है, 1:30 बजे मैं उनको जो हरी मक्का रहती है और नेपियर रहता है और शिवरी, ये तीनों मैं मिक्स कुटी करता हूँ और कुटी करके मैं उसको खिला देता हूँ दोपहर के 1:30 बजे। और उसके बाद मैं शाम को 6:30 बजे मेरे पास जो सैलेज बोलते हैं हम, हाँ सैलेज मतलब आपको सैलेज बोलते हैं, वो सैलेज हम उसको 6:30 बजे खिलाते हैं। काफी कुछ दे रहे हैं आप मतलब? हाँ मतलब काफी, हमारे अलग अलग रहे हमेशा, अलग अलग देता हूँ मैं जी, हर बार अलग अलग देता हूँ मैं। कुछ दिन सवेरे सोयाबीन देता हूँ, कुछ भी जवार का कुटार मालते हैं मालूम है आपको, वही भी मैं यूज करता हूँ जी 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 जी। अच्छा भैया मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा नीचे की तरफ भी चलेंगे देखेंगे मुर्गों को, देखेंगे चलेगा, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा ये कौन है? ये मेरे पिताजी है सर। नमस्कार अंकल जी। अच्छा आपका साथ दे रहे हैं पूरा? जी 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 जी, मेरे पिताजी और माताजी हर टाइम यहाँ पे रहते हैं। एक्चुअली मैं भी जॉब करता हूँ, मेरा भाई भी जॉब करता है। अच्छा, दिन में तो यहाँ पे वर्कर रहता है मगर वो पूरा दिन यहाँ पे देखभाल मेरे पिताजी और माताजी करते हैं। वगैरह साथ अपने घर का आदमी भी होना चाहिए। हाँ होना ही चाहिए, होना बहुत जरूरी है। पैसा हमारा लगा, पैसा हमारा लगा, बराबर है ना? सही बात, इतना एफर्ट हम कर सकते हैं उसके लिए कोई और नहीं कर, नहीं कर सकते, बराबर। बहुत अच्छी बात है, पिताजी साथ दे रहे हैं आपका, आप जॉब भी कर रहे हो, जॉब ये आपने साइड बिजनेस कर रखा है अपने घर वालों के दम पे, ये कह सकता हूँ। बिल्कुल सही जी जी जी, बहुत अच्छा लगा आपका ये फार्म मेरे को। अब नीचे देखेंगे दोस्तों, नीचे चलते हैं, चलेगा, और आपको पूरा सिस्टम दिखाएंगे। और दोस्तों इनका जो फार्म है देखो पहाड़ी है पीछे, बिल्कुल पहाड़ी पे, बहुत सुंदर एरिया, पहाड़ों के बीच में बना हुआ काफी सुंदर फार्म है इनका जी जी। नीचे चलते हैं, अब आपको फटाफट नीचे का दिखाते हैं सिस्टम जी। अच्छा भैया प्रॉफिट मार्जिन की बात भी हम करेंगे क्योंकि आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि बकरी पालन लंबा चलता है, उसका जल्दी इनकम शुरू नहीं होता, उसके लिए बहुत मतलब क्या बोलते हैं पेशेंस बहुत जरूर रहता है बकरी पालन में। आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है क्योंकि आप मल्टीपल कर रहे हो? हाँ, इनकम डबल करने के लिए आपने मुर्गे भी रख रखे, मुर्गे भी रखे ऊपर बकरी भी है जी जी जी। क्या प्रॉफिट हुआ थोड़ा बताओ? एक्चुअली क्या है, मेरा पहले साल में लगभग मुझे जो मैंने 2022 में शुरू किया था जी, तो मुझे कम से कम 5 लाख तक प्रॉफिट मिला था उसमें। 5 लाख तक? 5 लाख तक पहले साल पहले साल में मिला था क्योंकि मैंने प्रेग्नेंट गोट्स लाया था ना जी, मैं गोट ही प्रेग्नेंट लाया था, उसकी वजह से मुझे 5 लाख तक मिला था, मगर उसमें से मुझे 1-2.25 लाख रुपए खर्चा हो गया था उसमें से। और उसके बाद मैंने दूसरे साल मतलब 2023 में जी, मेरा जो मदर स्टॉक 40 हुआ था जी, दूसरे साल मेरा कम से कम 50 किड्स मेरे फार्म पे रेडी हुए थे, 50 किड्स मेरे फार्म पे रेडी हुए थे जी। और उसमें से मैंने क्या किया था, 10 मेरे मदर स्टॉक के लिए रख दिए थे और बाकी सेल कर दिए। दूसरे साल भी मुझे कम से कम 10-15 लाख तक मुझे प्रॉफिट मिला है जी। उसमें से मेरा 5-5.5 लाख तक खर्चा हो गया है पहले दूसरे साल जी। 10-12 लाख तक मेरा जो इनकम है वो साइड बिजनेस पकड़ के मुझे दूसरे साल में मिल गया है। एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिला है मुझे, जो ये मुर्गे पाला है मैंने उसके मुझे 1 साल में 1 लाख रुपये मिल रहा है, 1 लाख रुपए उसका प्रॉफिट मिल रहा है। और उसी जो बकरे की जो मैंगनी मिलती है ये नीचे गिरती है, उसका भी मैंने मेरे खेत में यूज करके बाकी और दूसरों को सेल किया है, उससे भी मुझे लगभग 1 लाख रुपए प्रॉफिट मिला है साल का पूरे तो साल में। आपकी लेबर तो मुर्गे और ये खाद ही मतलब फ्री कर रहा है आपका, है ना? जी 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 जी, मतलब लेबर आपकी फ्री है? फ्री है, लेबर फ्री है इन मुर्गों की वजह से। और आपके कितने हैं मुर्गे ये? अभी तो फिलहाल मेरा 250 तक है, मैं 200-250 ही रखता हूँ, मैं छोटे बच्चे लाता हूँ और बड़े करके यहाँ पे रखता हूँ और 3-4 महीने में मैं सेल करता हूँ। और एक मैं जरूरी बात बताना चाहता हूँ, जो भी मैंने वो जो मुर्गे यहाँ पे पाले उनको मैंने दूसरा कोई खाना नहीं दिया। अच्छा। खाली मैंगनी पे ही चल रहे, क्योंकि उनका जो ऊपर से वेस्टेज गिरता है जो भी हमारा कोटी का वेस्टेज रहता है हरा वाला वो भी ये खा लेते हैं, और जो मिंगनी पड़ी रहती है वो पूरी फोड़ देते हैं, मतलब उसका खाना ही वही है जी जी। अच्छा आपके पास एरिया तो भैया बहुत सारा है, बहुत आप चाहो तो यहाँ पे 1000 मुर्गे भी रख सकते हो। 1000 रख सकता हूँ। 200 रखे हैं आपने? 200-300 मैं 200 करता हूँ, कभी 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 300 का प्लानिंग करता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा मुर्गे नहीं रखना चाहता। हाँ। क्योंकि ये मेरा साइड बिजनेस है, ये मेरा मेन पर्पज मेरा बकरी पालन है, ये मेरा तो साइड बिजनेस है, मगर जो भी खर्चा लेबर का खर्चा है इससे मैं निकाल लेता हूँ। ये आपका इंटीग्रेटेड फार्म है? जी जी। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि एक के साथ एक
और उसी के वेस्ट पे दूसरे को दूसरा पालना। दूसरा पालना ठीक है ना बराबर जी। काफी मेरे को अच्छा लगा। अच्छा वैसे आपके पास डिमांड है देसी मुर्गी पालन? बहुत बहुत सारी डिमांड है देसी मुर्गी की डिमांड है। बहुत 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 सारी डिमांड है। आप मेरे कहने से नेक्स्ट ईयर थोड़े ना बढ़ाना क्योंकि आप 200 पे तो स्टेबल हो चुके हो। देख रहा हूँ स्टेबल है आपका। स्टेबल है स्टेबल है। आप इसको बढ़ाना। मैं बढ़ा रहा हूँ हर लॉट में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहा हूँ मैं। दाना आपका लग नहीं रहा है? दाना लगने रहा है। क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत। इतना महंगा चिक्स भी नहीं है इसका। नहीं नहीं बराबर है बराबर। आपने बताया था अभी आप टोटल लास्ट ईयर 12 लाख और उसे फर्स्ट ईयर में आप 4 लाख रुपए। चार लाख रुपए। ठीक है तो कैसे कमाया पैसा वो थोड़ा ये बताओ। इसका तो आपने बता दिया कि मैं मुर्गों से लेबर फ्री कर लिया। पहले साल जो मैंने बकरी लाई थी 20 बकरी उसके कम से कम मुझे 30 बकरे के किड्स मिले थे। उसमें से मैंने एक्चुअली जो मेरा जो ब्रीड मेल है वो 1000 रुपये किलो से सेल किया और जो फीमेल है वो 1500 रुपये किलो के सेल किया। मतलब मेरा एवरेज मुझे एक बकरी का कम से कम 25-30 हज़ार तक मिल गया भैया। एक साल आप लाइव वेट की बात कर रहे हैं लाइव गोट की ठीक है ना। यहाँ पे हम मटन लेते हैं वो भी मैक्सिमम 700 रुपये किलो ज्यादा नहीं है। नहीं है नहीं तो आप इतना महंगा कैसे बेच पा रहे हैं? नहीं नहीं एक्चुअली ये ब्रीड ही ऐसी है सर। ये मटन मार्केट के लिए मैं सेल नहीं कर रहा हूँ सर। अच्छा ये ब्रीडिंग के लिए सेल कर रहा हूँ। अच्छा। मेरा ये ब्रीडिंग मॉडल है सर जी। मैं जो भी बकरे यहाँ पे बनाता हूँ जो भी बकरी बनाता हूँ ये मैं ब्रीडिंग के लिए सेल करता हूँ। मतलब जिनके पास जो लोकल ब्रीड पालते हैं उनके पास जो देसी बकरी बोलते हैं हम उसको जी, जी, देसी जी। बकरी पालते हैं उन्हें एक क्रॉसिंग के लिए एक बोर का नस्ल यूज करके उससे जो प्रोडक्शन निकालते हैं वो 50% बोल निकल लेते हैं जी। तो उसके लिए जो ब्रीडिंग के लिए मेल लगते हैं या कोई फार्मिंग नया फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते उसके लिए मैं फीमेल बेचता हूँ। अच्छा। ये मेरा तरीका है सर। मैं समझ गया आप मटन पर्पस के लिए आपके नहीं, द्वार नहीं, नहीं, खुले नहीं, हुए नहीं, करते हो लेकिन वो मिक्स ब्रीड में करते हो? मिक्स ब्रीड में करता हूँ मैं। थोड़ा बहुत रखता हूँ मटन बीटल से बोल से क्रॉस करवा दिया देसी से क्रॉस करवा दिया वो बच्चे रख लिए वो तैयार कर लिए है ना। जी 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 जी। अच्छा भैया कहाँ पाते हैं अपने आपको? मतलब अभी तो जॉब चल रहा है साथ में 100% ध्यान तो आप नहीं दे पाओगे जॉब के साथ। नहीं नहीं नहीं। तो क्या सोचा है फ्यूचर प्लानिंग क्या है इसको? नहीं नहीं मेरा फ्यूचर प्लानिंग तो ऐसा है मेरा 100 गोट करने का प्लानिंग है सर। अच्छा मेरा फार्म पे मेरा ऑलरेडी कैपेसिटी 100 गोट का है जी। जो मदर स्टॉक है जो मदर स्टॉक मेरा 100 गोट का है कैपेसिटी वो मुझे मेरा टारगेट है कि वो 100 गोट मुझे पूरे करने हैं और उससे जो बच्चे मिलने वाले हैं जो मुझे 200 बच्चे मिलने वाले वही हर साल सेल करने का मेरा प्लानिंग है। जी 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 हर साल में। दोस्तों ये देखो मेरे पास भी मुर्गे आ गए हैं ये इस सोच रहे तो मैं दाना दूंगा पर दाना मेरे पास है नहीं। दाना बेटा नीचे ही नीचे खा लो ठीक है। तो आपकी मतलब जॉब कंटिन्यू रखेंगे या फिर जॉब कभी? नहीं अभी तो मुझे यहाँ पे क्योंकि मेरे पिताजी और मेरे माताजी कंटिन्यू यहाँ पे रहते हैं इसलिए मुझे कंटिन्यूस रहना की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सुबह से 2-3 घंटा और शाम को 2-3 घंटा आज भी देता हूँ और मैं कंटिन्यूसली देता रहूँगा क्योंकि मुझे तकलीफ ही नहीं कोई जी। क्योंकि जॉब का टाइम मेरा जो 9 से 6 का रहता है जो पहले मेरे 9 से पहले का जो भी मैं टाइम यहाँ पे देता हूँ और जो 6 बजने के बाद 9 बजे तक रात को मैं यहाँ पे ही रहता हूँ। मतलब सुबह 3 घंटा और शाम को 3 घंटा बहुत टाइम हो जाता है और वैसे भी मैंने CCTV लगा ही रखे बिल्कुल जो मतलब भी मुझे दिक्कत आ रही फोन तो पे बात कर सकते हो फोन पे यहाँ लेकर आओ दिखाओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जी जी और पास तो आप आ भी सकते हो? आ भी सकता हूँ मैं नजदीकी जॉब कर रहा हूँ तो इसलिए वो भी कोई टेंशन नहीं। दोस्तों सतीश भाई ने अपना इतना शानदार इंटीग्रेटेड फार्म हमें दिखाया बहुत पसंद आया मेरे को तो आपको भी शायद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना कमेंट करके बताना किस किस को फार्म पसंद आया है क्योंकि ये अपने गांव में अपने घर रह के नौकरी भी कर रहे हैं और नौकरी के साथ में साइड बिजनेस भी कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा इनका ये बिजनेस देख के। मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो से तब तक के लिए धन्यवाद।